सुबह सुबह उठते ही संतरा लेना। यार मुझे भूख लगी है और ये इतनी सारी सफाई भी पड़ी है, तो फिर मैं पहले कुछ खाऊंगी और पोटी करने के बाद मुझे ज्यादा भूख लग गई उठते ही। और हम 8:30 तो उठे ही हैं, तो मैं क्या करूं? तुम क्या ही कर सकती हो, ऐसे नहीं करते तो सुबह सुबह लेके बैठी हो ना। सुबह सुबह कुछ और खाओ ना, फ्रूट क्यों खा रहे हो? सुबह सुबह फ्रूट के अलावा क्या खाऊं मैं? सुबह सुबह फ्रूट के अलावा खाना खाओ तुम प्रॉपर। फ्रूट इन बिटवीन खा लेना ना वो तो 11 बजे 12 बजे। बनाना उसमें से बची नहीं क्या? पड़ेगा। रोटी हाँ बची हुई है यार, नहीं, रोटी बची नहीं और वो सब्जी थोड़ी बहुत हो थोड़ी गई। सब्जी पर बस ठीक है, अब तो मैं संतरा खा रही हूँ, चलो चलता ठीक। है मेरे लिए क्या होगा फिर? संतरा यही खाना पड़ेगा। संतरा। दिखाओ खुद को। का फोन 0% हो जाए जब तो ये चार्ज में लगाते हैं, और मेरा फोन हटा के इसने चार्ज में लगाया मेरा, और कह रहा तेरा तो बहुत है। इधर देख व्यूवर्स को दिखाओ, 2% देख, रोज का यही सांग है इसका, बस आज मेरे को, और मेरा फोन हटा के रख देता है, यूं नहीं कहीं और लगा दे। तुम्हारे कितने जनता पैसे? जवाब जानना चाहती है, इधर आ जाओ, उधर मत जाओ, मैं गुस्सा हूं। ये फंस गया सी है। तुम्हारे कितने परसेंट तुम? मेरा, अरे मैंने अभी लगाया था, मेरे को काम करना है बाद में। कितने परसेंट ऊपर से? देखा परसेंटेज कंपेयर करेगा कि तेरा तो 4% था, मेरा 2% था, तो मेरा लगेगा पहले। देखो घर में जैसे तो स्विच की कमी हो रखी, इधर आ जाओ। घर में स्विच बाहर सामने लगाओ, सामने लगाओ। मैं लगा देता हूँ। अपोलोजाइज नाउ नेवर। मैं लगाता हूँ। अभी माफी मांगो और बोलो आगे से ये गलती नहीं करूंगा। और जैसे पिक्चर्स में विलन होते हैं ना, नीचे झुक के माफी मांगो मुझसे, ऐसा हाल हो रखा है। देख देख मैंने ऐसा बोला कुछ? अच्छा तुमने बोला अपोलोजी नाउ, अपोलोजाइज करो अभी के अभी, ऐसा बोला था। इसलिए मैं ये देखो चार्जर लेके कब से खड़ा हूँ और इसको बोल रहा था कि मैं लगा देता हूँ, मान नहीं, इसने ऑन कर ली वीडियो। ऐसा हो रखा है, ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए। बताओ, मैं कह रहा हूँ कि जब लगा दे लोग बन रहा है तुम्हारा। तभी तो मैं सच बोल रहा हूँ। ऑन कैमरा झूठे प्रूव हो रहे हो, शर्म करो। क्या चल रहा है? सर्दियां जाके गर्मी का मौसम चल रहा है। क्या चल रहा है इनका? ये दो ब्रेड है, इन पे एक पे पाइनएप्पल जैम है, एक पे मैंगो जैम है। पाइनएप्पल वाला मेरा, उधर वाला, दोनों का आधा आधा है। आधा आधा मैंगो, मैंने बोला था मैंगो खत्म कराऊंगी। तुमने कहा मैंगो टेस्ट कर, नहीं मतलब मैंने कहा था खत्म कराऊंगी, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम जो है पाइनएप्पल खाते रहो और मैंगो मैं ही खत्म करूंगी, ठीक है? तो इसलिए मैंने एक एक पे लगाया था, हाफ ऑफ का है। ये और इसमें पाइनएप्पल कम क्यों लगा हुआ? क्योंकि कम बचा हुआ है थोड़ा सा। और अच्छा, और बाकी ब्रेड भी तो खत्म करनी है। ठीक है, ये ब्रेड की आज लास्ट डेट है, अगर आज इसने खत्म नहीं की पूरा दिन में तो ये कल खाएगा। फिर कहेगा ये 2 दिन पुराने वाली खिला रही है मुझे, ठीक है? और ये जो सब्जी रात को बची थी 12 बजे बनाई थी यार, बासी थोड़ी ना होगी, और बासी हो भी जाए तो घर पे ही तो बनी है। और मैंने सुना ये ना, बासी रोटी में फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं कि बासी रोटी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा फाइबर होगा तो कई बार आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते उसे, लेकिन हम तो कर लेते हैं ना। 2.5 रोटी बची हुई थी तो ये दोनों हम कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अपना ही मुद्दा चला देती है बीच में कुछ ना कुछ। ये मैंने सारी की सारी चीजें निकाल के रखी है, डब्बे वब्बे, ताकि मैं अगर पहले ही बिखरा दूं तो फिर मुझे करना पड़ेगा काम। हो जाएगा, मैं हूँ ना, ठीक है? तो संडे वैसे ये काम करना है पहले, ये खाना खाना, मतलब खाना नहीं हो गया, ऐसे मास्टर शेफ का प्लेटर लग रहा है, 40 चीजें लग रही है मुझे तो। ठीक है, सो ये करके और फिर हम करेंगे प्लस 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 प्लस। एक और क्वेश्चन, ये मैंने भिगो दिया चाट के लिए, चाट के लिए कि राजमा, व्हाइट वाले छोले और ब्लैक चने। ब्लैक चने ठीक है, सॉरी अलग दे दिया तुमने। मैं दिखा रही थी, तो ये जब भी अब पूरा दिन में भूख लगेगी तो ये चाट बनेगी, या फिर अगर भूख नहीं लगेगी पूरा दिन में तो शाम को बनेगी, क्योंकि ब्रेड आज खत्म करनी है। सो मैं वैसे सोच रही थी शाम को आलू गोभी, लेकिन अगर ये ब्रेड और ये चने का खत्म नहीं हुआ तो यही बनेगा, सुबह बनेगी, ठीक है? खाएं क्या? तो बस अभी खाते हैं ये, क्या बोलते हैं, प्लेटर मास्टर शेफ वाला,
और उसके बाद पहले सफाई करेंगे फिर काम करेंगे। उसमें किसमें गए थे हम? प्लेटर लिया था यार, क्या बोलते हैं, स्टारबक्स के प्लेटर से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। उसमें तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा था कुछ, इवन उनकी कॉफी भी अच्छी है ना। तो आपने स्टारबक्स वाला ब्लॉग भी देखा है तो देखना हम कैसे 1100 रुपए पूज के आए थे उनको। कहां गए थे वो? दिल्ली का स्टारबक्स, सीपी। सीपी कैनॉट प्लेस। यस, चलिए जी खाते हैं। तो जी मैं आपको बता रहा था कि सर्दियों में संडे की एक खास बात होती है, धूप में बैठ के जो है आप खाना खा सकते हैं। आधा दिन आप फ्री लो अपने लिए, उसके बाद काम करो। हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है आराम से। और जिनके पास ऑप्शन है वो पूरा दिन फ्री ले लो। फ्री क्यों? फ्री मतलब मजे करो ना संडे को। मुझे ये होता है कि अब मेरे को आधे दिन के बाद ऐसे मैं हो जाती हूँ, मैंने काम नहीं किया है, मैं बोर हो रही हूँ और मैं दिख भी नहीं रही हूँ। दिख रही हो तुम एक्चुअली, तुम्हें नहीं दिख रहा ना, दिख रही हो। तो मैं ऐसे बोर हो जाती हूँ, अगर मैं आधा दिन भी फ्री हूँ या कुछ और कर रही हूँ तो मुझे ऐसे होता है मैंने काम नहीं किया है या मैंने पढ़ा नहीं है कुछ, तो ऐसे हो जाता है। तो इसलिए मेरा आधा दिन इज ओके। अच्छा, आधा दिन इज ओके। हाँ, आधे दिन में मैं रिफ्रेश हो जाती हूँ अच्छे से और फिर मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं हाफ डे ऑफ लूंगी। आप फुल डे ऑफ? अब हाफ ही लेना पड़ेगा, हाफ हो चुका ऑलमोस्ट। 12 बजे तक सफाई करेंगे। हाँ, बस उसके बाद काम करेंगे। उसके बाद काम करना ही है। तो वैसे तो 15-20 मिनट की रिफ्रेशमेंट। संडे 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 इज ऑल अबाउट खाना, बैठना धूप में और रवीना की सुनना फालतू की। हमने ना खाना तो खा लिया है, अब ये इंसान किताब लेके बैठा है। किताब लेके मतलब? तो मतलब अब ये काम करेगा, जबकि हमने डिसाइड किया था कि पहले हम क्या करेंगे, सफाई। हाँ, तो मैंने इसलिए अपने, क्योंकि फिर सारा मेरे को करना पड़ता। तो टॉयलेट और बालकनी अमित करेगा। हाँ बोलो। और किचन और रूम्स मैं करूँगी और पोचा, यानी काम मेरा अभी भी एक्स्ट्रा ही है। बट स्टिल बालकनी में तुम्हें कहाँ पोचा लगाना पड़ेगा? बाकी जगह तो लगाऊंगी, बाकी जगह तो लगाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, तो वहाँ तो मुझे भी धोने पड़ेंगे ना वो प्रॉपरली। तो इसलिए कोई भेदभाव ना हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए मैंने पहले ही काम बांट लिया। तो अब ये जब भी करे टॉयलेट और बालकनी ये करेगा। हाँ बोलो। हाँ टोटली अग्री। ऐसे करो थम्स अप। यस ग्रेट, ठीक है। okay. तुमने कैमरा भी बोला कर देना। हाँ हाँ पक्का। ओके okay. हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। बात करने कर रहा है तो ऐसे बैंक भर रखे थे कल, लूट गया तू। अब कोई फायदा नहीं है गाना भी गाने का ना। देखो हमने जो सफाई करी। अच्छा तुम्हें पता नहीं था? हद, मैं तो सफाई दिखाने के लिए शुरू किया लेकिन एकदम से गाना आ गया तो गा दिया। गाना आ गया तो इसने सोचा सबको दे दूं। यस, तो ऐसा हमने सफाई कर ली है। आपको पहले रूम ही दिखा देते हैं। रूम और किचन देखो कितना साफ है। ये मैंने किया मस्त। हाँ ये मैंने किया। हाँ चलो तुमने किया, मैं अपने वाला स्टेप भी वो किया है। क्या किया? हाँ फिर भी चमकाई तो है, टॉयलेट चमका रहा है। ये जो है वो स्पेशन भी तो मैंने किया। अच्छा ठीक है दिखा दो। ठीक है ये देखियो, ये वॉश बेसिन जो है मैंने किया है, बिल्कुल साफ है। क्या बात है, देखना साफ सफाई, बर्तन धुले हुए, यहाँ पर जो है चाट के लिए चीजें भिगो रखी हैं। इसके बाद मैंने जो है वॉशरूम अच्छे से साफ कर दिया है, चमचम कर रहा है वॉशरूम। और रवीना यहाँ पर जो है आज का व्लॉग एडिट कर रही है, मतलब कल का था तो आज जो है शाम को डलेगा, वो उसकी एडिटिंग का पार्ट कर रही है। ये पौधे लगे हुए हैं। हाँ ठीक है जी। हाँ दूसरों के घर तो ना दिखाना चाहिए, कॉपीराइट आ जाएगा ना। तो जी हम रेडी हो गए हैं, नहा धो लिए हैं और अभी जो है रवीना यहाँ पर जो है बॉईल किया है जो चाट का स्टफ था ना। बॉईल तो कर लिया मैंने, इसमें ना जो ऊपर तैरने है ना काम है वो चम्मच। राजमा एक दो ऊपर तैर रहे हैं, वो अच्छे से बॉईल नहीं हुए। एक दो चल जाएगा। और देखो से बना रखे हैं ये चीजें। ये क्या है? मिक्स कर लिया मैंने टमाटर प्याज। वाओ ऐसे मुंह में पानी आ गया, देखते हैं ना, है ना। हाँ चलो जी, अब सिर्फ इतना सा करना है कि इन सब चीजों को मिलाना है और नमक मिर्च मिलानी है, नींबू मिलाना है और हो गया चिंकी चाट मसाला। ये चाट मसाला नहीं भी है तो भी चलेगा, नमक मिर्च नींबू में भी अच्छे से हो जाता है। मैं बनाती हूं थोड़ा बनाना एंड देन बस नौ से आप पे अलग अलग दिखाने के। अच्छा इसी में मिक्स हो, फिर तो सारों का बना दे। नहीं ठीक है ठीक है, बाद में कट जाएगा, बाद में क्या पता सब्जी या कुछ और बन जाएगा, क्योंकि बजादा बन जाएगा। ओके ठीक है, क्या बात है, बढ़िया, बहुत शानदार। ये नमक ठीक है, ये धनिया
ओके ठीक है ठीक है। हल्दी नहीं डालनी बस, क्यों हल्दी अच्छा कच्ची नहीं खानी चाहिए ये ठीक है। एंड देन ये वाला भी चिंकी चाट मसाला थोड़ा 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 बस 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 बस। एंड देन एक और चीज भी थी मेरे पास, काली मिर्च, काली मिर्च भी है मेरे पास, काली मिर्च ये डालिए। काली मिर्च बहुत ज्यादा मत डालना नहीं तो गले में भी लग सकती है। ऐसा है हाँ ओके। अब अगर इसके गले में कुछ लगा तो ये यही बोलेगा काली मिर्च ज्यादा डाल दी। नहीं मैं ये बोलूँ पता नहीं क्या लग रहा है गले में ज्यादा ना कुछ तो एक्स्ट्रा है। चलो तुम बताओगे फिर क्या रेडी बस मिक्स किया और वो नींबू का है ये नींबू ठीक है। और मैं यूजुअली ना आप बाहर कहीं जाओगे तो ये जो बाकले वाले चने होते हैं अपने काबुली इनको ही मिलती है चाट सी। बट आप अगर घर में है तो राजमा और ये वाले चने भी मिक्स कर सकते हो, वो ज्यादा हैवी होगी और अच्छे से पेट भर जाएगा प्रोटीन का अमाउंट भर भर के इसमें ना। तो जी रवीना ने बहुत अच्छी चाट बनाई है, बहुत अच्छी है। ऐसी ऐसी मैंने मतलब सिर्फ जो है ब्लैक चने वाली खाई थी वो खाई थी नैनीताल में, वहां से भी हमने एक बार ली बहुत अच्छी लगी फिर दोबारा ली। आप भी बना सकते हैं कभी बनाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो देखो बात ऐसी शुरू की थी हमने शुरू की थी शाम कर रही हूं शुरू की थी। रुको जरा सबर करो बताइए। तो अभी जो है ये बादाम बहुत पुराने रखे हैं 250 ग्राम ज्यादा पुराने नहीं है मतलब ये रखे हैं इसको ठीक लग रहा है खाने में, मेरा मन नहीं करता खाने का तो। और थोड़े से यहाँ पे अखरोट भी थे तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इनका हलवा बनाया जाए। पर अमित बोल रहा है कि ये बहुत ज्यादा है मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा अमाउंट है इनका ना देखियो हाँ बहुत सारे हैं। तो अमित का कहना है कि ये गर्म करेंगे हमें क्योंकि मैं सिर्फ इनका हलवा बनाने की सोच रही थी। तो मैं एक काम करती हूँ इनको पीस लेती हूँ छोटू चम्मच दो चम्मच आटे की और थोड़ा सा ये हाफ हाफ कर लेते हैं। हाँ वो बेटर रहेगा ठीक है। तो हलवा बनाते हैं इसका ठीक है फिर देखते हैं कैसा बनेगा। पंजीरी टाइप से हो गया दरदरा सा हो गया अच्छे से। पहले ही बताओ दरदरा क्या होता है। दरदरा ऐसे से होता है इससे थोड़े और मोटे मोटे लगा लो वो दरदरा होता है ठीक है। तो मतलब दरदरा नहीं पता तुम्हें। नहीं पता मुझे अभी बताया ना तुमने। चुल्लू भर पानी में आज तक कोई नहीं डूबा। चुल्लू भर पानी में आज तक कोई नहीं डूबा। बाल्टी में डूबा ना वो काम तुम्हारे है। ये हो गया है मतलब तुम ना कई बार अपनी बात बोल के ना चलो ठीक है चलिए ये देखिए आप ऐसे कर लेती हो। कौन है आप गले में खिचखिच हो देखो बिल्कुल इतना सा ले रही हूँ क्या है आटा ठीक है थोड़ा सा क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं खाना है हमने ओके। और एक ज्यादा मत डालना ज्यादा नहीं इससे मुझे लग रहा है बट ठीक है इससे काफी बन जाएगा मतलब अब नहीं डालेंगे फिर वो और बाद में ना अभी के लिए बन जाएगा इतना ठीक है। तो एक काम करते हैं इसको रख लेंगे इसी डब्बे में डाल के छोटे वाले वो देख खाली पड़े हैं उधर ना ठीक है जी। मैं पहले क्या करती हूँ मैं घी नहीं डालती अभी इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ फिर घी डालती हूँ ओके घी और घी के बिना तो हलवा इज लाइक नॉट हलवा। हलवा इज ऑल अबाउट घी घी देसी घी हाँ पकड़े हैं। अभी क्या ब्राउन करना है इसको अभी थोड़ा सा ब्राउन करना है ताकि खुशबू सी आए सुगंध से पता चल जाता है ओके। तो जब वो खुशबू सी आएगी तब मैं इसमें थोड़ा सा स्लो करके घी डालूंगी प्लस मुझे पानी भी गर्म रखना है तो इसको भुनना है अच्छे से थोड़ा सा फिर घी डालूंगी और इधर मैंने पानी गर्म रख दिया है ताकि वो गर्म पानी डले इसमें ओके। देखो ये थोड़ा थोड़ा ना ब्राउन होना शुरू हो गया। अब अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी ना एक मिनट तो ये नीचे से लग जाएगा ऐसे देखो तो फटाफट घी डाल देते हैं फिर। तो इसमें अभी मैं घी डाल लेती हूँ साथ साथ होता रहेगा घी इतना घी डलता है वैसे इसमें मैं तो ये था कि ओवर घी हो जाएगा ना नहीं हलवे में जब तक ऊपर से घी नहीं दिखेगा तो क्या फायदा। हाँ ये भी एक है चाशनी टाइप से चाशनी थोड़ी ना होगी घी घी ऐसे मैं थोड़ा सा और डाल लेती हूँ मुझे ज्यादा लग रहा है ये की बजाय आटा डाल लो रवीना ये की बजाय मुझे ये लग रहा है कि ये गरम ना कर जाए हमें बाकी तो सब ठीक है थोड़ा सा आटा डाल लो लेकिन अब ब्राउनिश का कोई लेना देना नहीं है अभी होएगा अच्छे से अच्छा हाँ आटा डालो वो बढ़िया था दोनों डाल लिया थोड़ा थोड़ा ठीक है मुझे तो बस यही है कि वो गरम ना करे हमें ठंडा करके खा लेना। अरे गरम इन द सेंस तुम्हें समझ नहीं है फिर पेट खराब हो जाएगा तुम्हें नहीं समझ आया मैंने जोक मारा है नहीं मुझे नहीं नहीं
क्या बात है, खुशबू नहीं आ रही तुम्हें? नहीं अभी तक नहीं, फोन तक आई होगी, मेरे तक नहीं आई। सुबह इन लोगों को भी आ रही होगी इतनी तो। अब भाई क्या बात है, सही से करो अच्छे हो जाएगा। ये क्या है हमारे? आटे के बादाम है। मैंने सोचा आटा कोगुलेट हो गया। कुछ भी, इसको दिमाग करना पड़ेगा, अभी तो मेरा पानी भी गर्म नहीं हुआ है। दिमाग कर दो फिर नीचे से। कर दिया? नहीं हुआ सर। हो तो गया। हो गया, वाह क्या बात है, आपको तो आता है। हाँ बस। क्या बस? कृपा है आपकी, आपने सिखाया। धन्यवाद धन्यवाद, नहीं तो हम तुच्छ प्राणी, हमें कहाँ कुछ आता था। कोई बात नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि आपको कुछ सिखाया। अभी 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 इसमें डालेंगे, बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया ये। बस अभी डाल ही रहे हैं ना। उई रुना, एग्जॉस्ट चलाऊं? नहीं। हाँ पहले देखते हैं क्या बना इसका। ये बताओ, हलवा तो बन गया ना? बस थोड़ा वो है, पतला सा लापसी टाइप का, बट ठीक है अभी हो जाएगा। और ये लापसी की तरह क्यों हुआ? क्योंकि हमने पानी डाल दिया। शाबाश। और नहीं नहीं, पहले तो थोड़ा सा हार्ड पार्ट किस लिए होता था, वो पानी कम डालो तो हार्ड, पानी कम डालो तो हार्ड रहेगा वो। ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो खा लूंगा। हाँ लो। हाँ खुशबू आ रही है ना? सेम वैसी जैसी शेफ कुणाल ने बनाया था, है ना? हाँ तो देखो जी बढ़िया बनेगा ये। अभी मैं इसमें चीनी डाल सकती हूँ। चीनी चीनी मेरा दिल तंबे आया। चीनी, ये क्या है? कितने डलेगी पता नहीं, जितना मन करे। मतलब मीठा चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा आपको। वैसे स्टैंडर्डाइज वाला वैसे ठीक है ना, स्टैंडर्डाइज वाला वो फिर ऐसे होता है। एक चम्मच चीनी डाली। हाँ। एक चम्मच रोज वाटर डाली। अच्छा तो फिर वो भी डलता है, सारी चीजें होती भी नहीं, तो इसलिए बेटर है ना जो अपने पास है उसी में बना बनो लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जी हमारा हलवा रेडी हो चुका है। इतनी देर का था, दो एक मिनट मैंने कैमरा ऑफ किया होगा, बस हो गया है ये। थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ही आटा वगैरह लिया था ना हमने, बहुत कम बनाया है, तो इसमें हमें क्या बोलते हैं, ऊपर से तो ड्राई फ्रूट्स डालने की जरूरत नहीं। हाँ, वो इतने सारे दो बार करके डाल दिए ना, वो बहुत गर्म कर जाएगा। मुझे वैसे भी डर है कि पहले ही ना हमने एक्स्ट्रा डाल दिया उसमें। ठीक है चलिए। ठीक है जी चलिए बताएंगे। छोटू सी कटोरी में जी प्यारा लगेगा ये। मैं टेस्ट करूं? तुम टेस्ट करो उसके बाद मैं। कैसा है? टेस्टी है। तुम करो, इधर आओ। गर्म है तो थोड़ा सा अगर आपको टाइट चाहिए तो आप कम पानी डाल सकते हैं। मैंने पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया शायद, तो थोड़ा सा पतला है बट ठीक है। और ये यूज भी हो गई, यूटिलाइज हो गई। थोड़ी सी चीनी और डाले, थोड़ी सी डाल दें बस, बाकी तो बढ़िया लग रहा है। चलो जी हम इसको चीनी डाल के ढक करते हैं। आप लोग व्लॉग को लाइक शेयर कर देना, ओके? चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया। फिर मैं आपको ये हलवा खिलाऊंगी कभी घर आए तो। हाँ ये भी सही, जैसे मोना दी बोलते हैं ना कि हाँ आएंगे घर खाएंगे। हाँ मोना दी हमेशा बोलते हैं घर आ गई होंगी मैं तो। कमेंट मिलता है उनका हमेशा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, डेली डेली थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए और खुश रहिए। मतलब तो अब मैंने चीनी डाल दी, पर ये कह रहा था इसको ना ऐसे ऐसे हिलाती रहो और अच्छा हो जाएगा, तो मैंने कहा कर ले। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा इसको लगता है, इसने बनाया ना कभी नहीं है। ठीक है पर ये ऐसे ऐसे कर रहा है अभी, कांगे दिख रहा है कि हाँ देखो। जब मैंने मीठा डाला ना उसके बाद भी मुझे लगा कुछ तो कमी है इसमें। पता नहीं, मेरे को तो पहले भी मीठा ठीक ही लग रहा था। नीचे तुम लगे गए? वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, नीचे लगे ना लगे। ये बना दिया उछल रहा है, मतलब बन गया ना बिल्कुल। हम खाते हैं, अमित ने बनाया है हलवा। भाई अमित कैसा लगा? पता नहीं क्या बन गया। हलवा बनाने निकले पता नहीं क्या ही बन गया है। मुझे तो ठीक लग रहा है, एक बार खा के देखो मुझे क्यों लग रहा है, बोर भी पता नहीं क्या बन गया है। तुमने कभी खाया नहीं ना इतनी महंगी चीज। महंगी की बात नहीं है, ये देखिए देखो। एक तो मुझे ये ना इतना घी नहीं चाहिए जितना है, ये देखो सारा घी देसी घी ऐसे। कोई तो कमेंट करके बता दो कि हलवे में घी होता है। हलवे में घी होता है बट इतना नहीं, देखो तो यहाँ मुझे इतना मुझे नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ।
हजम नहीं हो रहा इसको घी। नहीं 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 ठीक है अभी आया, पैलेट को जगाया। अच्छा देखिए जी कितना घी जो है ये एक्स्ट्रा है और ये निकल आ रहा है। मैं यही कह रहा था रवीना को कितना एक्स्ट्रा मत डाल, उसकी वजह से ना टेस्ट का पता चल रहा हलवे के, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा है, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा। ऐसा आप लोग घी कम डाल लेना, वैसे टेस्टी बनाए। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय से बाय, खाना खा के जाना। मुझको कम अच्छा लग रहा है, पर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ही खा लूंगी, आप लोग मत खा के जाना, अपने घर पे बना लो।